मेरा ये मेथड है प्लास्टिक फ्री माउंटेन, तो मेरा गोल्ड माउंटेन एक्सपेक्ट हेरी कोइजो तो हेथि मालके आपा हम के थाबो और भाग लगी बजी जा। आज हम लोग जा रहे हैं तिनसुकिया और आज हमारे साथ हैं एक और माउंटेनियर रूबी जी जो कि हमारे साथ चल रही है। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं आगे का रास्ता किधर से जाना है। वापस तो हमें नहीं आना है तिनसुकिया क्योंकि हमें जाना है नागालैंड। हम आपको रूबी जी से मिलाने से पहले कुछ चीज़ें झल के दिखा देते हैं उनके रूम में। तो ये रहा रूबी जी का कुछ समिट का, कुछ एक्सप्लोरिंग का, और ये है जोगिन सी, वो है वैदिक का, और ये जोगिंद्री का, ये है जब इनका ट्रेनिंग का, जब ये कोर्स के लिए जा गई थी उस टाइम का है, इनका आर्टिकल है, ये ट्रैक का है, और इन्होंने इनका ये चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं पहाड़ी छोरी के नाम से इनका इंस्टाग्राम है, और पहाड़ी छोरी आलू पराठा। ये नून, ये क्रेवासेस जो कि अब बहुत कम लोग सबमिट कर पाते हैं नून को। तुमने कभी सबमिट किया है? नहीं, मैं नून नहीं गई। और ये है सिबलिंग। तो उम्मीद है कि आप रूबी दी के बारे में थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगा ही लिए होंगे, हालांकि मेरे बाल काफ़ी बड़े हो चुके हैं। और हम चलते हैं यहाँ से। हमारे साथ आज की राइड में हमारी रूबी दी ज्वाइन कर चुकी हैं, तो चलें। हाँ। गाइस, अभी हम लोग हैं डिब्रूगढ़ में। पिछले 3 दिन से डिब्रूगढ़ में रुके हुए थे और हम लोगों ने डिब्रूगढ़ में ना होली सेलिब्रेट किए। आज है तकरीबन 27 मार्च और हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं तिनसुकिया के लिए, जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पे है। और अभी फ़िलहाल हम अपना पैनियर बैग कुछ भी लेके नहीं जा रहे हैं, बस साइकिल लेके जा रहे हैं। तो ये रहा हमारा कुछ सफ़र, और हमारा सफ़र इसी तरह चलने वाला है कुछ टाइम तक। तो गाइज, आज हमारे साथ एक और नई साइकिल जुड़ चुकी है, जो कि ये साइकिल है रूबी दी का। इस साइकिल को ना हम लोगों ने रेंट पे हायर किए हैं, और पर डे का 400 रुपीज़ के हिसाब से देखते हैं, जितने दिन का ट्रिप रहेगा उतने हिसाब से हम लोग को पर डे के हिसाब से। तो गाइज ये देखो, एक्स्ट्रा पॉकेट का मतलब फ़ायदा ये है कि इसने ये रख लिया है। देख रहे हैं आप तो दोस्तों, ये तो मेरा कपड़ा फाड़ू होली मार तुम फाड़ दे पट्टी का। हाँ मैं डालता हूँ। अरे क्या कर लेते हैं? ओ दिन से क्या काम? काली भाड़ा रहे कौन वाइस? आपको काली ले घुड़िया है? आहिम दापाई होती है फिर सिप्सा को होए ना गालन जाओगे और फंडला होगे मो अपन एक्सपीरियंस कोई सा। तुमने पानी नहीं भरा फिर से हम लोग की राइड स्टार्ट हो चुकी है, और अभी फिलहाल हम लोग जा रहे हैं तिनसुकिया के लिए, जो कि यहाँ से 52 किलोमीटर की दूरी पे। तो आइए। ऐसा है हमारा कुछ सफ़र आज का, और हम तीनों लोग वीडियो शूट करते हुए चल रहे हैं और मस्ती करते हुए। लेकिन इससे पहले हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इधर और इधर दोनों तरफ चाय के बागान हैं लंबे लंबे दूरी तक, और हम बीच में राइड कर रहे हैं। तो आगे ब्रिज है और हम लोग को ब्रिज के नीचे से जाना है। तो गाइस, अभी रूबी दी का पेट्रोल थोड़ा ख़त्म हो चुका था और इसका भी पेट्रोल ख़त्म हो चुका था, तो हम लोग यहाँ पे आए थे पेट्रोल लेने के लिए। हमारा वाला वो पेट्रोल है, छोटा सा स्टील वाला। तो पेट्रोल हम लोगों ने बॉटल में ले लिए, और अभी उंगली ऐसे कर रहे हो क्या, समझ आ रहा है? ये हमारी दुल्हनिया है, ये हमारा दूल्हा है।
नहीं ये चाचा है ना तुम्हारे बड़े पापा, तो प्रिया क्या है ना कि ट्रक लवर है, तो ये ट्रक को अपना दूल्हा बोलती है। यार ऐसे भी लोग हैं क्या इस दुनिया में, कमेंट करके बताओ कि क्या आप ये ट्रक लवर है, आप कौन से लवर हो? नहीं भाई मेरा 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 फर्स्ट गर्लफ्रेंड है, जब मैं अपनी ड्रीम बाइक लूँगा तो ये मेरी एक्स हो जाएगी और मेरा दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी। यहाँ पर है एयरफोर्स का स्टेशन, तो हम चले जाते हैं स्कूल में क्योंकि हमें अपना जो हमारा मिशन होता है मेंस्ट्रुअल हाइजीन एंड प्लास्टिक फ्री माउंटेन, तो उस पर हम इवेंट्स करते रहते हैं तभी हमें स्कूल मिल जाता है और हम इवेंट्स के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले इवेंट्स करते हैं तो गाइस ये रहा था कॉलेज। ओए स्पीडोमीटर इधर, उधर कहाँ है, उधर से क्यों, खाने के लिए? अरे आगे हाईवे में देख लेंगे, यहाँ बाईपास में है अच्छा खाना। तो जैसे ही हम इवेंट्स कंप्लीट करते हैं हमें लगी होती है बुक और पास में एक ढाबा होता है और ढाबे में इस तरह का स्टाइल से हमें लंच करने को मिलता है, मजा आ जाता है। और ये रही हमारी स्पीडोमीटर रोबी दीदी, ये ऐसा लग रहा है हर 5 मिनट गिरते हुए चलेंगी, बट हम यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करेंगे और वीडियोज क्लिक करेंगे। तो गाइस बादल गरज रहे हैं, बारिश बरस नहीं रहे हैं और हम राइड कर रहे हैं सुबनसेरी नदी, इस नदी का नाम है सुबनसेरी और हम फिलहाल यहाँ पे जाने की के लिए किसी न किसी रास्ते की तलाश में भटक रहे हैं कि नीचे कैसे जाया जाए। फिलहाल आइए हम चलते हैं, और जब हम लोग के पास कम डिस्टेंस होता है ना तो ऐसी बेवकूफ़ी हम लोग रास्ते में करते हुए चलते हैं। तभी हमें ब्रिज के नीचे से रास्ता मिल जाता है, हालांकि रास्ता तो बहुत ख़राब होता है लेकिन फिर भी हम जिद ठान लेते हैं कि अपनी साइकिल एकदम नदी के किनारे तक लेकर ही जाएंगे। तो दोनों लोग साइकिल उतार लेते हैं और हम लोग सोचते हैं कि क्यों ना इस नदी के किनारे से कुछ थोड़ा एक अच्छा अपना मैसेज जो है हम लोग का प्लास्टिक फ्री माउंटेन जिस पे हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना इसको लेके यहाँ पे कुछ क्लीन अप किया जाए ताकि जिसमें आप लोग की छोटी सी सपोर्ट चाहिए ताकि हम अपने पूरे एनवायरनमेंट पूरे सोसाइटी पूरे देश से प्लास्टिक को दूर कर सकें। तो यहाँ पे कुछ हम लोगों ने प्लास्टिक का मतलब क्लीन किए और उन प्लास्टिक को इतने इन सभी बॉटल में हम लोगों ने मतलब पैक करके रखे हैं और हम अपने साइकिल पे रखे आगे जाके हम डस्टबिन में डाल दें। तो हम और प्रिया ने मतलब ऐसा काम किया, मतलब देखो हम पूरा तो नहीं कर सकते, अगर हम पूरा इस एरिया को कवर करें ना तो हमारा पूरा दिन चला जाएगा क्लीन करने में और हमें अपने आगे की सफ़र को भी करना है, तो इस वजह से हमसे जितना हो पाया हमने उतना प्रयास किया हम दोनों लोगों ने और फिर हम लोगों ने करके ही आप देख सकते हैं। मैसेज है क्लीन का, तो ये मेरा ये मैसेज है प्लास्टिक फ्री माउंटेन, तो मेरा कहने का मतलब ये कि आप अपने चाहे आप माउंटेन में घूमने जाते हैं या फिर अपने कहीं भी आप लोग घूमने जाते हैं तो ये जो बॉटल है खाली बॉटल उसमें आप अपना रैपर जो टॉफ़ी खाते हैं चॉकलेट खाते हैं या कुछ भी चीज़ें आप खाते हैं तो जो रैपर गियर वाला है आप गियर वाली साइकिल चलाओगे आप साइकिल चलाओगे ये वाली चला लो Oh, yeah.
ले कि गांव में ना भाग दे। चलो बाय बाय।